लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा उपाध्यक्ष ने मोदी को फेंका अपना इस्तीफा, राजनीति में मचा भयंकर हाहाकार। जी हां, आपको बताया जा रही कि लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा को जबरदस्त तरीके से झटका लग गया। बता दें कि उड़ीसा इकाई के उपाध्यक्ष लेखाश्री ने अपना इस्तीफा मोदी सरकार को सौंप दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि लेखाश्री बीजू जनता दल यानी कि बीजेडी में शामिल हो गई है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में उन्हें प्रत्याशी भी बीजेडी की तरफ से बनाया जा सकता है। बता दें कि लेखाश्री के बाद दूसरे भाजपा उड़ीसा उपाध्यक्ष है जिन्होंने चुनाव से कुछ सप्ताह पहले ही भाजपा से इस्तीफा दे दिया और बीजेडी में शामिल हो गए हैं। उड़ीसा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल को लिखे अपने त्याग पत्र में लेखाश्री ने कहा कि नेतृत्व का विश्वास जताने में नाकाम होने के कारण उन्होंने भाजपा छोड़ने का फैसला किया है। लेखाश्री ने कहा कि मैंने पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में अपना खून पसीना बहाया, हालांकि पूरी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के बावजूद मैं नेतृत्व का विश्वास हासिल नहीं कर सकी, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसके कारण उड़ीसा के लोगों की सेवा करने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है। लेखाश्री पार्टी सांसद मानस मंगराज समिस्त पात्रा की मौजूदगी में बीजेडी में शामिल हो गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी पार्टी के लिए पसीना बहाने के बाद बदलाव करना मुश्किल है, जिसने मेरी मेहनत को नहीं पहचाना, मुझे स्वीकार करने के लिए मैं बीजेडी को धन्यवाद देती हूँ। जी आपको बताया चले कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा उपाध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, उसके बाद से राजनीति में भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।